हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने इस लैपटॉप का रैम अपग्रेड करने वाला हूँ। इसमें 4 GB रैम है जिसको मैं बढ़ा के 12 GB करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने 8 GB का रैम खरीदा है, ये है क्रूशियल कंपनी का, और मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया। तो आज मैं इसमें लगा के इसका अपग्रेड करने वाला हूँ, इसका 4 GB से 8 GB रैम करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 6 स्क्रू है जिसे खोलने से हमें इसको ओपन करने को मदद मिलेगी। एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ और ये 3 जगह पे स्क्रू है जिसे खोलना होगा। तो पहले इसको खोलने से पहले यहाँ पे जो पैड है, पैड को हटाते हैं तो ये स्क्रू हमें दिखेगी। इस पैड के नीचे ही रहती है, पैड को संभाल के रखना क्योंकि फिर इसमें यूज करना, उसको लगा देना है। तो दोनों पैड को मैंने निकाल दी है, देखिए स्क्रू सामने में दिख रहा है, तो इसे खोलते हैं। देखिए मैंने वो एक स्क्रू को खोल दी है। इसी तरह सभी स्क्रू को खोलकर आपसे मिलते हैं। ये मैंने सभी स्क्रू खोल दिया है, लेकिन अब यहाँ पर एक स्क्रू है जिसके लिए पहले इसके ऊपर जो एक कवर है उसको हटाना होगा। तो नीचे स्क्रू दिखेगी, संभल कर हटाना होगा। मेरे पास कोई औजार नहीं है तो ये चाकू से ही हटा रहे हैं, लेकिन संभल कर। देखिए स्क्रू दिख रही, इसे भी खोल लेते हैं। अब ये पूरा स्क्रू हमें खुल गई है, तो अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, वो लगता है इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से इसको निकालना है, अलग करना है। हम किसी घर पे आए हुए हैं, अभी ये सब करने के लिए प्रॉपर स्क्रू वगैरह नहीं है हमारे पास, तो ये कटर से ही इसको निकालते हैं। कटर थोड़ा सा स्लो हो रहा है, यहाँ पे पेचकस है, पेचकस से कर लेते हैं। संभल संभल के करने से पेचकस से भी आराम से हो जाएगी, दाग नहीं आएगी। तो मैं जल्दी से इसको पूरा अलग करके आपसे मिलता हूँ। ये साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीसरा साइड यहाँ पे करना है, और ये पूरा हो गया। कुछ अंदर रिबन वायर दिख रही है जिसको लगता है छुड़ाने से ही अलग होगी, इसको हटा देते हैं। इसको हटाते समय ध्यान रहे कि कहाँ से क्या हटा रहे हैं, क्योंकि फिर इसे अटैच भी करना है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे कंपोनेंट अंदर दिख रहे हैं जिसे भी खोल खोल के अलग करनी है। और यहाँ पर एक पिक्चर मैंने आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ इसमें स्क्रू रहती है जिससे आप इसको खोल के अलग कर सकते हैं। यहाँ पर ये चारों तरफ जो स्क्रू है इसको खोल के हटा लेना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं जो हार्ड डिस्क है उसको निकाल देते हैं। हार्ड डिस्क और बैटरी को निकाल देंगे, पहले हार्ड डिस्क को अलग कर देते हैं। ये हार्ड डिस्क है, इसको अलग रख देते हैं, निकाल देंगे। अब ये बैटरी, बैटरी को भी निकालना है। और बैटरी से ऊपर कुछ वायर, रिबन वायर दिख रही है, इसे भी हटा देते हैं तो बैटरी आराम से निकलेगी। ये रिबन वायर को हटाते समय सावधानी बरतें कि थोड़ा सा भी कट होने से इसका सर्किट खराब हो सकती है, जो आपको काम में नहीं आएगी, ध्यान रहे इस पर। ये बैटरी हटाने से पहले कुछ स्क्रू खोलनी होगी, तो इन सब स्क्रू को भी खोल लेते हैं जिससे बैटरी आराम से निकल जाए। अब सभी स्क्रू निकल गए हैं तो बैटरी भी आराम से निकल जाएगी, और ये निकल गई, काफ़ी पतली बैटरी है। इसको रखते हैं किनारे। और यहाँ पे जो जो स्क्रू मैंने दिखाया था उस सब स्क्रू को अब खोल लेना है जिससे ये जो मदरबोर्ड है बाहर निकल जाए, क्योंकि इसके पीछे ही रैम लगती है। रैम को लगाने के लिए हमें इसे पूरा इसे खोल करके पीछे देखना होगा। तो इन सब नट को खोलते हैं।
नट तो लगता है सब खोल दिए हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं तो नहीं हो रहा है, लगता है कहीं और नट बचा हुआ है, उसको भी देखते हैं। और कुछ वायर वगैरह भी इसमें लगे हुए हैं, उसको भी हटाना होगा क्योंकि वायर भी तो रोक रहा होगा। वायर को अलग कर दिए हैं तो इसको फिर से निकालने का देखते हैं, निकालते हैं बाहर। यहाँ भी लगता है ये जो नट है इसी को रोक रहा है, इसको भी खोल देते हैं। मैंने बढ़िया से देख लिया, बढ़िया से चेक कर लिया और नट तो कहीं नहीं दिख रहा है, लगता है ये वायर भी हटाना होगा, हटा देते हैं। तो ये देखिए बाहर हो गया। धूल अंदर काफी आ चुकी है, पूरा गंदा हो गया है, इसको भी साफ कर देते हैं। तो इसे साफ करने के लिए साइड में रख देते हैं और जब तक पहले रैम देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, ये बॉक्स जो दिख रही है इसी बॉक्स के अंदर रैम रहती है, तो इसको पहले ओपन करते हैं। इसके ऊपर ये कवर है, इसको हटा देते हैं। और ये नीचे में रैम का पोर्ट दिख रहा है, ये रैम लगा हुआ है यहाँ, और यहाँ दूसरा रैम हम लगा सकते हैं जो मैंने ये खरीदा था। ली रैम देख लेते हैं कितना GB लगा हुआ है, जैसा हमें बताया गया था कि 4 GB है, तो देख लेते हैं। ये ओरिजिनल ही रैम दिख रही है जो लैपटॉप के साथ आती है, और इस पर 4 GB लिखा हुआ है, मेड इन चाइना सैमसंग। तो ये 4 GB है, इसको भी रहने देते हैं, और साथ में जो 8 GB वाला रैम है मेरा उसको भी लगा देना है, जिससे ये 4 और 8 12 GB का रैम हो जाए। ये 8 GB का रैम है तो इसको भी निकाल के दूसरे पॉट में डाल देते हैं, जिससे ये भी रैम काम आ जाए। ये दूसरा जो पोर्ट है यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये लग गया। यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये SSD का पोर्ट दिया हुआ है, SSD है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। पर अभी तो SSD नहीं इसमें लगाना है, अभी रैम ही चेंज करना था, रैम ही बढ़ाना था, तो इसको लगा के इसका कवर ऊपर से बंद कर देते हैं और इसको हम इसमें फिर से लगा सकते हैं। ये मेरा साथी जब तक ये इसको साफ कर दिया है, अब इसको यहाँ पे लगा देना है। अब सावधानी से जो जो चीज इसमें आपने खोला था उसको लगा देना है। तो सबसे पहले ये जो है जो नीचे के साइड में रहता है वो अलग हो गया था, इसको अटैच कर देते हैं। उसको सही से इसको सेट करके सभी इसका और सभी वायर वगैरह जो नीचे रह गया सब उसको ऊपर कर देते हैं। और सेट करने के बाद सब वायर को भी तो लगाना ही है। तो जैसे जैसे मैंने इसे खोला था वायर को, उसे इसको वायर भी लगाते जाना है, और ये जो इसका स्क्रू वगैरह है वो भी लगाते जाना है। सभी स्क्रू लगा देते हैं। ये वायर वगैरह जो यहां से मैंने खोला था इसको भी लगा देते हैं। ये दोनों वायर यहाँ पे लग गया, यहाँ पर भी एक वायर था, इसको भी अटैच कर देते हैं।
एक ये भी है। वायर तो सब लग गई, स्क्रू भी लग गई, तो अब बैटरी और हार्ड डिस्क जो इसका निकाले थे उसको भी सेट कर देते हैं। बैटरी से जो स्क्रू निकला था उसको भी डाल देते हैं, बैटरी को फिक्स कर देते हैं। ज़्यादा परेशान वाला प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है कि जैसे आप खोले उसे ही लगा देना है, इजीली प्रोसेस है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ भी नहीं है। टेक्निकल चीज़ होती तो हमसे ही नहीं होती, हम टेक्निकल आदमी नहीं है। बस यही है कि जैसे खोले हैं उसे लगा देना है। तो ये मैंने बैटरी की स्क्रू लगा दी, उसका वायर भी लगा दिया, ऊपर वाला जो वायर है लगता है लूज लग रहा है, उसको भी सही से कर देते हैं, सबको मतलब चेक कर लेते हैं एक बार सही से है कि नहीं। तो ये सब कंप्लीट हो गई, अब हार्ड डिस्क की बारी है, इसको भी लगा देना होगा। पहले हार्ड डिस्क का वायर लगा देते हैं। वायर तो लग गई, अब इसे इसमें सेट कर देते हैं। ये लगभग मेरा पूरा अटैचमेंट कंप्लीट हो गई है, तो इसके ऊपर का जो कवर है उसको भी लगाना होगा। ये कवर मैंने ले आया, अब कवर को ऊपर का जो कवर है मैंने कीबोर्ड वाला जो कवर है उसमें भी कुछ वायर थे जो इसमें लगेंगे, तो ये वायर को भी मैं लगा देता हूँ पहले, तभी तो कीबोर्ड वगैरह काम आएगी, काम करेगी। ये वायर वगैरह अटैच हो गया है, तो इसको पहले एक बार चालू करके देख लेते हैं, कोई वायर वगैरह छूटा हुआ तो नहीं है, छूटा रहेगा तो चालू नहीं होगा, तो उसको हम अभी कर सकते हैं। ये लैप चालू हो रहा है, यानी लगभग सब कंप्लीट है, कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह से ओपन हो गई लैब, तो मेरे ख्याल से लगता है कि सब मैंने तार वगैरह सही से फिक्स किया है। अभी देख लेते हैं कि इसका जो रैम मैंने एक्स्ट्रा लगाया था वो वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंस्टॉल रैम 12 GB, मतलब दोनों रैम काम कर रही है, मैंने पहले 4 GB थी, अब उससे बढ़ के 12 GB हो गई है। जब ये सब कुछ हो गया है तो इसको ऑफ करके फिर से इसको स्क्रू वगैरह जो बाहर से टाइट होनी है उसको भी टाइट कर देते हैं कि जिससे ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो फिर बस वही रिवर्स पोजीशन जो शुरू में मैंने जो किया था उसे रिवर्स कर देना है, शुरू में स्क्रू खोले थे अब स्क्रू टाइट करना है। जैसे जैसे खोले थे उसे उसे इसको टाइट कर देना है। ये पैड भी निकाल लिए थे तो पैड को भी फिर से पेस्ट कर देना है। अभी नीचे का भी 3 नट था, इसे भी टाइट कर देते हैं, उस वक्त ये काम कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब ये लैपटॉप में पूरा कंप्लीट हो गई, टाइट भी हो गई है, यानी काम करने के लिए तैयार है, और ये लैपटॉप अपग्रेड हो गई।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।